सो फ्रेंड, होममेड डीएसएलआर बनाने के लिए आपको पीवीसी पाइप चाहिए, 63x50mm का रेड्यूसर, 50mm का बाइनोकुलर लेंस, ओल्ड साइबरशॉट कैमरा लेंस और ओल्ड कोडक कैपिटन लेंस और एक पाइनियर फोकसर चाहिए डीएसएलआर बनाने के लिए, होममेड डीएसएलआर के लिए। प्लस आपको 50x40mm का रेड्यूसर भी चाहिए, वो भी पीवीसी का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चाहिए। तो मेरे पास दो रेड्यूसर है, ये देखिए, एक है 63x50mm रेड्यूसर पीवीसी, दूसरा जो है 50x40mm का पीवीसी, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अभी क्या करेंगे, जो छोटा वाला जो पीवीसी है जिसमें 50x40mm लिखा है, इसका जो 40mm का जो सिलेंडर है, ये जो डायमीटर का पीवीसी है, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद आपको इस तरह से आपको 40mm का, देखिए ये मैं कट किया है, 50x40mm का पीवीसी से कट करके ये वाला पार्ट मैंने कलेक्ट किया है। आप ये वाला पार्ट को इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि मेरे पास जो पाइनियन फोकसर है, इसका जो डायमीटर है वो भी 40mm का है, तो ये इजीली इसके अंदर फिक्स हो जाता है। ये देखिए, तो ये जो पीवीसी पाइप है जो 40mm का है, उसको 50mm के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए बीच में गैप हो जा रहा है। तो आप चाहे तो सेलो टेप से इसको टैपिंग करके इसके अंदर डाल सकते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी एक 2 inches का एक पाइप था जो वेल्ली इसके अंदर जा रहा है, और उसके बाद इसके अंदर, हाँ देखिए ये फिक्स हो गया है अंदर। ओके, अब इसमें पाइनन लगाएंगे ऐसा, ये अमेजन से मैंने परचेस किया था, बहुत अच्छा पाइनन है, इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। आप देखिए डीएसएलआर का जो बॉडी है, पार्ट है, वो रेडी हो चुका है। आप क्या करेंगे, 2.5 inches का एक पाइप देखिए जो कि मैंने कट करके रखा है, इसको यहाँ पर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। प्लस मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि 50mm का बाइनोकुलर लेंस लेंगे। ये देखिए 50mm का बाइनोकुलर लेंस है, बहुत थिक है, और उसके ऊपर मैंने छोटा सा रबर इस तरह से उसको कवर कर दिया है, और इसको यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। कैसा करना है ये देखिए, 2.5 inches का जो पाइप है जो अभी, इसको इस तरह से लेके इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, तो ये इसके अंदर फिक्स हो गया है ये लेंस। ओके, अब ये फिक्स होने के बाद इसको यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर। आप देखिए आगे का लेंस रेडी हो गया है। अब इसके बाद पीछे से, पाइनियन का पीछे से मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओल्ड साइबरशॉट कैमरा लेंस। ये लेंस मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया मैंने कैसे कलेक्ट किया है, साइबरशॉट ओल्ड साइबरशॉट सोनी साइबरशॉट कैमरा से ये लेंस कैसे कलेक्ट किया है, मैंने आपको बता दिया है। अब ये लेंस को इस तरह से इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर, अब ये लेंस इंस्टॉल हो गया है। ये है आपका आईपीस। ओके, और यहाँ पर आप अपना एडाप्टर, मोबाइल फ़ोन एडाप्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और अपना मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर अटैच करके
आप कोई भी वीडियो या फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यह देखिए मेरा होममेड DSLR लेंस रेडी हो चुका है, और आप अपना पाइनन को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं फोकस के लिए, और आप अपना फोकल लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लेंस लगा है आईपीस, और ये है आपका लेंस, और बहुत ही पावरफुल लेंस है, इसीलिए आपको एक अच्छा इमेज मिलेगा। ये मेरा होममेड DSLR रेडी हो गया है, और इसको मैं मोबाइल फ़ोन में अटैच आराम से कर सकता हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा इमेज और वीडियोग्राफी करने के लिए मुझे मिल जाएगा। मार्केट में जनरली DSLR का जो लेंस होता है 24-25-80,000 तक भी होता है, तो मैंने अपना दिमाग लगा के एक होममेड DSLR लेंस मैंने बनाया, जो YouTube में शायद कोई बनाया नहीं होगा, तो मैंने खुद ही बनाया है। और देखिए आप भी बना के देखिए, आपको पसंद आएगा। मैंने ऑल डिटेल्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए। आप देख सकते हैं होममेड DSLR के लिए ये सब चीज़ आप कलेक्ट कीजिए और अपना होममेड DSLR बनाइए।